ओके तो आज हम देखने जा रहे हैं गोल्डन स्पून के पार्ट 10 को। अगर आपने इसके बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे तो उनको जाकर देख लो, तभी आपको समझ में आएगी। एपिसोड की शुरुआत होती है ली की मॉम से, जो अपनी बॉडी का चेकअप करवाने के बाद किडनी वाले को डिटेल्स दे रही होती है और कहती है कि रिपोर्ट तो है, अगर कोई बायर मिलेगा तो मुझे कॉन्टैक्ट करना, मैं अपनी किडनी बेच दूंगी। और यहाँ पर ली आ जाता है और इन मॉम को देख रहा होता है कॉल पर बात करती है। उसकी मॉम कॉल पर बात कर रही होती है कि आपने बोला था कि 50 मिलियन वोन आप अभी दोगे और 50 मिलियन वोन आप ऑपरेशन के बाद दोगे, बट आप अभी टोटल 60 मिलियन वोन देने की बात कर रहे हो। पर्सन कहता है कि आपकी किडनी में स्टोन मिला है तो इतने पैसे देंगे हम, इतना ही कम हो गया। तो भाई ली फोन छीन लेता है, उसको पता चल गया होता है, गाली देता है फोन पर और कॉल कट कर देता है। और अपनी मॉम पर भी गुस्सा हो रहा होता है ये सब देखकर कि क्या करना पड़ रहा है पैसों के लिए, और कहता है कि मैं पैसे का जुगाड़ कर दूंगा। और यहाँ से भागने लग जाता रोते हुए, उसकी मॉम उसके पीछे पड़ी है और वो भागता है। भागते भागते वो टाई के डैड के पास पहुंच जाता है, वो इससे मिलते भी हैं। और यहाँ पर हम जूही को देखते हैं जो अपने डैड से प्यारी प्यारी बातें कर रही है, कंधा वंधा दबा रही होती है ताकि ये उनसे 100 मिलियन वोन कैसे भी करके ले सके, बट इसके डैड साफ मना कर देते, कहते मेरे को पता है कि तुम उस गरीब लड़के को देने के लिए मांग रही हो मुझसे। यहाँ पर हम ली और टाई के डैड की बातों को सुनते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ली टाई के डैड से पैसे मांग रहा होता है। इसके डैड कहते हैं कि मैं क्यों दूं पैसे तुम्हें, ली कहता है कि मैं बाद में चुका दूंगा, दे दो। टाई के डैड कहते हैं कि कुछ गिरवी रख दो, ली कहता है कि आपकी कंपनी से ही मेरे डैड को चोट लगी है, हॉस्पिटल में आए हैं वो। तो टाई के डैड कहते हैं कि मैं उनका ऑलरेडी इलाज करवा चुका हूँ, पैसे दे चुका हूँ। ली जाने लगता है तो टाई के डैड रोकते हुए कहते हैं कि क्या रखोगे तुम मेरे पास, ये कहता है मैं खुद को गिरवी रख दूंगा। टाई के डैड कहते हैं कि गरीब हो तुम, गरीबों से पैसे वैसे नहीं लेन देन करता हूं मैं, भागो यहाँ से। और ये सुनकर ली गुस्से में ऐसे चला जाता है। जूही यहाँ भाई साहब पैसे न मिलने पर अपने जितने भी महंगे बैग होते हैं ना, गुची प्राडा एलबी सारे निकाल लेती है भाई, बेचने निकल जाती है मार्केट के अंदर और पैसे इकट्ठे हो गए होते हैं, देने जा रही होती है आराम से। तभी देखती है कि ली के साथ यूजीन है, यूजीन यहाँ पर ली को पैसे वैसे देती है और जूही को दिखा दिखा के उसको हक कर रही होती है ली को। जूही बेचारी भाई मतलब खून के आंसू रोती है, खड़े हुए कुछ कर नहीं सकती। और यहाँ से ना मतलब एक साल का ना जंप हो जाता है, मतलब एक साल बीत जाते हैं, फिर हम एक साल बाद का सीन देखते हैं। अब जो ये जितने भी थे ना अपने कैरेक्टर, इन्होंने स्कूल कंप्लीट कर लिया होता है और अब ये कॉलेज में जाने वाले हैं, मतलब एक साल बीत गए होते हैं। यहाँ पर टाई बहुत खुश होता है, इसके सारे फ्रेंड है, वो यूजीन है, जूही है और बुलिस भी है, सारे होते हैं और यहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी इसलिए हो रही है क्योंकि स्कूल कंप्लीट हो गया होता है। ये लोग ली की बातें करते हैं, ली काम करता है और पढ़ाई भी करता है, दोनों चीज़ें साथ में पिछले एक साल से। और जूही ने उस रात के बाद ना ली से बात नहीं की, क्योंकि ली इसके किसी भी मैसेज या कॉल का ना रिप्लाई नहीं करता, पूरे एक साल बीत चुके हैं। फिर ली से मिलते हैं जो कि काम कर रहा होता है, और यहाँ पर इसको यूजिन मिलने के लिए बुलाती है और ये भागते हुए जाता भी है। और फिर हम देखते हैं कि सारे टाई वाई सब जा रहे होते हैं ना यहाँ से, और ली तभी यहाँ पर आ जाता है यूजिन को लेने के लिए। और जूही एक साल बाद इसको देखकर बहुत खुश होती है, इसे बात करने की कोशिश करती है, बट यूजिन आकर कहती है कि इसको मैंने बुलाया है, हम दोनों साथ में घर जाएंगे, हम पड़ोसी हैं, अगल बगल में रहते हैं। जूही का भाई फिर से दिल टूट जाता है कि यार ये तो मेरे उसको ले गई। जूही को भाई इतना उदास देखता है, उसको कंपनी देने जाता है, उसके सामने अम्ब्रेला खोलता है। जूही कहती है हटाओ इसे, सब हमें देख रहे हैं, बेइज्जती हो रही है। टाई फ्लर्ट करते हुए उसको घर तक लेकर चला जाता है। यहाँ पर ली और यूजिन दोनों बातें कर रहे थे। यूजिन कहती है कि तुमने सच नहीं बताया क्या किसी को, मैम ने भी नहीं बताया, फिक्र मत करो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ली की जो पूरी फैमिली है ना वो यूजिन के घर में रहती है और इनके यहाँ नौकर बनकर काम करती है। ली की मॉम से जो यूजिन के फादर होते हैं काफी बदतमीजी से बात करते हैं, उनके ऊपर गंदी नजरें डालते हैं और इसकी फैमिली से मतलब घर का सारा काम करवाते हैं ये लोग, बदतमीजी करते हैं। ली के फादर को गाली देते हैं ली के सामने, और ली सब कुछ खड़ा होकर देख रहा होता है पर कुछ कर नहीं पा रहा होता क्योंकि 100 मिलियन वोन के नीचे दबा हुआ होता है। अब यहाँ पर हुआ ऐसा था कि यूजिन ने जो पैसे इसको दिए थे ना उसके बदले ली की फैमिली को इसने पूरा खरीद लिया है। अब ली गुस्से में कुछ कर तो नहीं सकता है। अब यूजिन अपने डैड को यहाँ से लेकर जाती है, कहती है मैंने कितनी बार बोला आपसे कि ली के सामने उसकी फैमिली से अच्छे से बात किया करो, अच्छे ट्रीट किया करो। इसके फादर कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा, मैंने उन्हें 100 मिलियन वोन दिए हैं और वो मेरे नौकर है। और कहते हैं कि जाकर टाई को पटाओ और शादी करो उससे, ताकि उसकी मतलब जो धन वन प्रॉपर्टी है सब ले सके हम। और यूजिन के जाने के बाद इसके जो डैड होते हैं वो ली की मम को गलत तरीके से देख रहे होते हैं। और ली फिर यहाँ से अपने रूम में आता है और अपने जो पैसे होते हैं वो उसी शुरू वाले बॉक्स में रख देता है जिसमें हमेशा से पैसे रखता आ रहा है, और इसी में उसको गोल्डन स्पून भी रखा हुआ हम देख सकते हैं। नेक्स्ट डे जूही टाई की स्टेप मॉम से मिलने आई होती है क्योंकि इनकी एल्बम रिलीज हुई होती है तो बधाई बधाई देनी होती है। इसकी मॉम जूही टाई की एंगेजमेंट की बात करती है बट जूही मना कर देती है। तभी यहाँ पर यूजिन भी आ जाती है जो कि ली को लेकर आई होती है और कहती है कि तुम्हारा मन नहीं करता क्या अमीर होने का, मौका मिलेगा तो तुम टाई की जिंदगी जियोगे।
क्या तुम टाई बनना चाहोगे? ली कहता है कैसी नॉनसेंस बातें कर रही हो, मैं उसकी लाइफ कैसे जी सकता हूँ। मतलब अभी टाई को नहीं पता कि इसको पता है। टाई की मुंह में आकर यहाँ पर ली की खूब बेइज्जती वज्जती करती है, जलील करती है उसको, और फिर यूजिन को अंदर लेकर चली जाती है और टाई यहाँ से बाहर चला जाता है। इसकी मुंह कहती है कि कैसे लोगों से दोस्ती कर रखी है तुमने, गरीब है वो बहुत ज्यादा। यूजिन कहती है कि वो मेरा दोस्त नहीं है बल्कि वो मेरा नौकर है। जूही भाई बैठी है सब सुन रही होती है और कहती है कि ली को ऐसे मत बोलो। यूजिन कहती है कि तुमसे मतलब मैं उसको कुछ भी बोलूं। तब यहाँ पर टाई और ली दोनों आ जाते हैं जो कि इनके पीछे खड़े होते हैं और इनकी बातें सुनने लग जाते हैं। यूजिन कहती है ली अपनी फैमिली के साथ मेरे घर में रहता है, नौकर है, काम करता है मेरे लिए, मेरे पूरी फैमिली के लिए, इसकी पूरी फैमिली काम करती है, और ये लोग उसी रूम में रहते हैं ना जिसमें नारा अपने डैड के साथ रहा करती थी। अब ये सुनकर जूही को बहुत बुरा लगता है। यूजिन कहती है कि उसने मुझसे पैसे उधार लिए थे और वो एक नंबर का बेशरम आदमी है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। लिया कर कहता है कि हाँ, मैं हमेशा से शर्माता था कि मैं ये सच कैसे बता पाऊंगा जूही तुम्हें, बट तुम्हें पता चल गया और इसी वजह से मैंने ना तुमसे एक साल से बात की है, ना कॉल, ना मैसेज, ना मिलने आया, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती थी, पर हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और यहाँ से चला जाता है, जूही भी उसको पीछे भागती हुई जाती है और यहाँ पर टाई को आ गया होता है गुस्सा बहुत बुरा वाला, क्योंकि वो यूजिन पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से आज वो दोनों फिर से दोस्त बन जाएंगे जो कि एक साल से मिले भी नहीं थे, क्योंकि जो टाई है ना वो जूही को पसंद करते तो हमें पता ही है, तो जूही फिर से अब निकल गई ना इसके हाथ से। जूही लीव पर गुस्सा है, दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं, कान वान पकड़ के हग वक करने लग जाते हैं और यूजिन दूर से देख रही है, भाई बहुत जल रही होती है ये देखकर उन लोगों को। लोल इसका तो भाई हो गया काम, बहुत बन रही थी ना अभी, आ गया मजा। और नेक्स्ट डे जूही यूजिन के घर मिलने जाती है उससे, तो यूजिन के फादर कहते हैं कि उसके रूम में वेट करो, वो भी यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर टाई भी आ जाता है ली से मिलने के लिए, बट यहाँ पर ली भी नहीं होता है तो वो भी उसी रूम में घुस जाता है। दोनों यहाँ पर यूजिन के रूम में घूमने लग जाते हैं, तभी इनका हाथ चला जाता है गोल्डन चम्मच के ऊपर और दोनों भाई चम्मच को देख रहे होते, कहते हैं ये क्या चीज है, मस्त यार ही तो। और यहाँ पर यूजिन तो ली के साथ बाहर आई हुई है, कहती है कि गोल्डन स्पून है ना तुम्हारे पास। अब ये सुनकर ली कहता है कि तुम नारा हो, मुझे हमेशा से पता था कि तुम नारा हो। इसको भी पता चल जाता है कि तुम गोल्डन स्पून यूज किया। यूजिन कहती है कि तुम स्पून को यूज करो और टाई बन जाओ। ली मना करता है और कहता है कि मेरी फैमिली और जूही के साथ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो मैं अब मतलब लाइफ नहीं बदलना चाहता हूँ। और यूजिन गोल्डन स्पून को उठाती है और पानी में फेंक देती है और कहती है तुम्हारा था वो। अब ये देखकर ली को बहुत दुख होता है, अब यार गोल्डन स्पून चला गया, अब इसके बाद क्या हुआ वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसके बाद के एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।